तो आप ये देख सकते हो कि हमारी गाला की जो हमने ये हमारा 12 वीर का प्लांट है, तो इसमें हमने पूरी प्रूनिंग कर ली है। तो हमारा जो गाला हो चाहे ग्रीन एप्पल हो, यही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप को ये पता होना चाहिए कि मैंने गाला या ग्रीन इसकी कैनोपी कितनी रखनी है, इसकी हाइट 10 से 15 फीट, कुछ 10 फीट तक, कुछ 15 फीट 20 फीट, वो आपके आप अपने ऊपर है कि आपके पास कितना स्पेस है। तो हमारी तो इसकी हाइट लगभग आप सोचिए 10 फीट के आसपास है। तो यहाँ पे जो ऑर्चिड है हमारा, ये पूरा ही स्पर का है, इसमें स्कारलेट टू है, ऑर्गन स्पर टू है, तो इसीलिए ये जो गाला है ये यहाँ पे हमारे पास स्पेस कम होने के कारण हमने इसको इस तरह कंट्रोल किया। और हम हर जगह ही कोशिश करते हैं कि चाहे गाला हो चाहे ग्रीन हो, जितना भी हर साल जो भी इसका नए वाटर शूट निकलते हैं वो उसको काटते हैं, और जो और इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है जो हमने अपने ऑर्चर्ड में जो हमारा एक्सपीरियंस है कि आपको हर साल इसको बीक ब्रांच पे ही डालना पड़ेगा, तो इसी से ये कंट्रोल होगा, आप देख सकते हो। और इसके बाद में जो ये गाला की वीडियो आपको इसी इसी प्लांट की, जब इसमें फ्रूट आएगा तो उसी टाइम डालूंगा कि इस गाला में देखना मतलब कितना हैवी फ्रूट होगा। तो यही हमारा चाहे गाला हो चाहे ग्रीन एप्पल हो, तो हम इसमें ऐसी ही प्रूनिंग करते हैं जो हमारा अपना कॉन्सेप्ट है। यही हमारी, क्योंकि हर एक की अपनी प्रैक्टिस होती है और हर एक का अपना कॉन्सेप्ट होता है कि आपने कैसे प्रूनिंग करते हैं, क्या ट्रेनिंग है। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो गाला और ग्रीन एप्पल में यही है, आप देख सकते हो। तो इसी तरह आप गाला और ग्रीन एप्पल को कंट्रोल कर सकते हो। आपको आप देख सकते हो जो गाला में जितना भी हमारे पास वाटर शूट आया हुआ है इस साल का, वो हम सारा ही जितना भी ये देखिए काटते हैं। तो और हमारा गाला में की चीज़ है कि जो भी आपकी बीक ब्रांच है उसी पे ही हम कंट्रोल करते हैं। तो यही हमारा, या आप देख सकते हो लगभग 12 साल का प्लांट भी हमने गाला का कंट्रोल किया हुआ है। और इसमें स्पर बीमा आप देख सकते हो, इसमें पूरा ही बीमों से भरा हुआ है। ये देखिए हम जितना भी ये हमारा जो मेन ब्रांच है, तो उस पर भी हम वही है कि जो भी इसमें नए वाटर शूट हैवी वाटर शूट वो सारे हम काट रहे हैं, और जो बीक ब्रांच है उसी पे ही हम गाला को कंट्रोल करते हैं। ये हमारा 12 वीर का प्लांट है, ये देखिए आप बिल्कुल, और पूरा ही बीमों से हमारा गाला भर चुका है, आप देख सकते हो। जैसे हम गाला में प्रूनिंग करते हैं, और यही हमारा सेम कॉन्सेप्ट है ग्रेनी स्मिथ में भी। जो भी आपको चाहे ग्रीन एप्पल हो, चाहे आपको ग्रेनी स्मिथ, जो भी ग्रीन एप्पल हो आपके पास, चाहे यूएसए वाला हो चाहे चैलेंजर हो, जो भी हो, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है गाला और ग्रेनी स्मिथ में। जितना भी इसमें आपका वाटर शूट हैवी वाटर शूट निकलते हैं उसको हम हर साल प्रून करते हैं और बीक ब्रांच पे ही डालते हैं। और अब देखो तो हर साल इसके जो भी कमजोर टहनी जो भी है उसके ऊपर ही आपको डालनी पड़ेगी, तभी ये गाला और ग्रीन एप्पल आपसे कंट्रोल हो पाएगा। तो ये देखिए पूरा ही, तो इसके बाद जो इसकी वीडियो जो भी हमारे पास हमने आपको वीडियो में डाला हुआ है गाला एप्पल, जो ये गाला प्लांट है, तो जब इसका ये फ्रूटिंग में आएगा तो उस टाइम हम इसकी वीडियो आप जितने भी बागवान भाई है सबसे शेयर करेंगे। और गाला में जो सबसे जो जरूरी बात है इसकी, जितने भी आपके पास ये आपकी 4 से लेकर 10 इंच तक जितनी भी ये पिन्स होती है, तो इसी में ही गाला हो गाला में बीमा रेडी हो जाता है। तो इसीलिए आपने जो भी जितनी भी छोटी पिन्नी है गाला में, इसको हमेशा ही छोड़ना है फ्रूटिंग के लिए, इसमें आप इसको आपने कभी भी प्रून नहीं करना है। तो आप देख सकते हो जितनी भी ये 4 इंच से लेकर 10 इंच के आसपास जितनी भी पिन्नी है, इन इन पिनों को आप जितनी भी पिन है इनको कभी भी आपने हेड बैक करने की गलती नहीं करनी है। तो ये गाला में एक बहुत छोटी सी बात है बट बहुत जरूरी बात है गाला की, कि जितनी भी 4 से लेकर 10 इंच तक जितनी भी पिन है उनको छोड़िए और उसमें हेड बैक करने की कोशिश कभी मत कीजिए। तो यहीं से इसका बीमा रेडी होना स्टार्ट हो जाता है अगर आप पिन इसकी छोड़ते हर साल। क्या जो हमने लास्ट ईयर जो पिन छोड़ी थी तो उसमें
फ्रूट यहाँ पे देखिए आप जख्म देख सकते हो फ्रूट का, यहाँ पे फ्रूट लगा और उसके बाद जब ये फ्रूट लगने से जब ये ब्रांच झुक गई तो उसके बाद यहाँ पे देखिए अपने आप ही इस साल के लिए बीमा रेडी हो गया है। तो ये आपका जैसे ये देखिए इस साल हमने इसमें कोई हेडबैक नहीं किया हुआ है, और नेक्स्ट जब इसमें इस साल यहाँ पे फ्रूट लगेगा तो फिर ये ऐसी हो जाएगी, इसकी इसका जो रिजल्ट आएगा ये देखिए फ्रूट का जख्म आप देख सकते हो। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं गाला में जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी जब भी आप इसकी प्रूनिंग करते हो।